कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। भगवान के सुमिरन में नहीं देरी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सुमिरन करते हैं। जैसे मान लीजिए अब कथा सुनी तो भाई अब दो तीन दिन का वैराग्य तो रहता ही है। कथा का भी एक अपना अलग नशा है। जब तक कथा सुन रहे हैं तब तक हर एक व्यक्ति ज्ञानी है, हर एक व्यक्ति अपने आप में वैरागी है ना। अच्छा, दुनिया मोह माया है कि नहीं है, हाँ कि ना? पीछे तक से आवाज आनी चाहिए, जोर से बोलिए, दुनिया सच्ची है कि झूठी है? अच्छा, और कथा सुनने के बाद कहाँ जाएंगे? दुनिया में ही ना जाएंगे, बाहर तो नहीं निकल जाएंगे, वहीं रहना है, वहां से अलग नहीं हटना है। पर कैसे रहना है? जैसे कीचड़ के बीच में भी खिला हुआ कमल रहता है। आपके दुनिया में रहने से समस्या नहीं है, जानते हैं समस्या क्या है? दुनिया हमारे अंदर रह रही है, हम दुनिया के अंदर नहीं रह रहे, दुनिया हमारे भीतर रह रही है। और इतनी अच्छी तरह ये रच बस चुकी है, लगता है इसके बाहर कुछ है ही नहीं। कथा सुनत मुर्दा जलत, होत विराग तुरंत। यही प्रीत जो बनी रहे तो मिल जाए भगवंत। अच्छा, सही सही बताइयो, जितनी देर कथा सुनते हैं हम देखते हैं सबकी खोपड़ी ऐसे ऐसे होती, काऊ की ऐसे नहीं होती है, ऐसे ऐसे। दुनिया भैया कोई साथ नहीं देगा सामने, एक दिन सब साथ छोड़ेंगे। यहाँ पे धरती पे आए हैं भजन करने के लिए, और घर जाते ही सब ऐसे ऐसे हो जाता है, यहाँ ऐसे और घर जाके। कथा सुनते समय ज्ञान जगता है मनुष्य का, बहुत तेज जगता है। जब तक कथा पांडाल में हो ऐसा लगेगा अब तो बस जाके भगवान को पाई लेना है। दूसरी बार ज्ञान कब जगता है? जब स्मशान घाट में किसी मुर्दे को व्यक्ति जलते हुए देखता है। आप सब भाई लोग कभी ना कभी अगर गए हो किसी के में तो आप क्या लगता है उस समय, जो व्यक्ति कल शाम को आपके साथ बैठ के चाय पी रहा था आज वो राख की ढेर हो गया, अब आपके दिमाग में क्या चलता है? ओहो हो, जिंदगी का कोई ठिकाना भैया। अच्छा, घाट पे जैसे बैठते हैं लोग जब तक चिता शांत नहीं होती, कुछ खास खास लोग को भैया मजबूरी है जाए कहाँ, रुकते हैं। तो जब तक रुके रहते हैं तो आपस में बतियाते हैं, भैया आपको इनके जाने का कब पता चला? तो बाजू वाला कहते हैं हमें तो सुबह में फोन आया, हम तो एकदम ऑफिस के लिए रेडी थे, फोन आ गया। भाई रिश्तेदारी है क्या? अच्छा भी नहीं लगता भाई दुख में किसी के साथ ना जाए। हाँ अब क्या कर सकते हैं, हमने तो मिस्त्री लगा रखे हैं, लेंटर पड़ना था, अब क्या करें, अब मजदूर टिका के आए, अब जो सो काम कर दे छो कर दे, इन सब की बातें। फिर एक उसी में कहेगा अच्छा भाई साहब सही बताओ क्या लेके गए, हाय हाय कर रहे थे, लेके गए एक भी कौड़ी, जल गए राख, कोई भरोसा नहीं भैया, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। अच्छा अब ये इतने बड़े वैरागी हैं कि ये सीधा अयोध्या जाएंगे, ये भीमपुरा भी लौट के ना आएंगे। लेकिन जैसे सीढ़ी पर से खड़े हुए और पांव में जूता चप्पल घुसे, अब सीढ़ी पे लौटते ही इनको यही लगता है कौन भगवान, कौन सी झूठी दुनिया। अरे ट्रक लोड करा दो, आज नहीं करोगे फिर कल, कल दशहरा है पूरा रास्ता जाम रहेगा। भूल गए जो जला वो गया, अब हम नहीं जलने वाले, हम तो यही रहेंगे, हम कहा हम तो अमृत पी के आए हैं ना, हम थोड़ी ना मरेंगे। फिर जब कभी अपनी बारी लगी तो दूसरा बैठ के वही बखान करेगा, पर स्वयं में कोई सीख हम नहीं लेते हैं। और जिस दिन ये सीख, यही प्रीत जो बनी रहे तो मिल जाए भगवंत, इस 100% ज्ञान में का केवल 1% भी अगर दिमाग में चिपका रहा कि मुझे जाना है, सिर्फ इतना याद रखो, सिर्फ इतना मुझे क्या करना है, जाना है बस। जैसे किसी के घर जाते हैं तो डेट याद रखते हो ना, कब तक आए हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मेहमानी पे जाते हैं तो जाने की डेट याद रखते हैं ना, अगर नहीं याद रखेंगे तो घरवा वाला याद दिलाएगा, अरे यहीं बसोगे क्या, कब जाना है मालिक।
डेट यहाँ चिपकी होती है, उसी प्रकार से समझिए डेट तो नहीं पता पर दिन कौन सा है वो सात में से सोमवार से लेके रवि के अंदर कोई ना कोई तो है, सुबह से लेके शाम तक रात में से तो कोई ना कोई है, वो शुक्ल पक्ष है, वो कृष्ण पक्ष है, वो जनवरी है कि वो फरवरी है, ये हमें 12 महीनों में से 7 दिनों में से 3 पहर में से इसी में से कोई ना कोई ऐसा समय है जिसमें हमें जाना है। केवल जाने का समय भी अगर याद रहा तो आप यकीन करो जिंदगी में हमसे बहुत कम गलती होगी। क्यों? अगर मन करेगा अरे फलाने का पैसा हम अपने भरोसे हम अपने हिस्से में ले आए तो अब याद आएगा अरे मुझे तो जाना है, और अगर हम जाना ही है और लूट घसोट कर भी लिया तो बताओ भगवान को जाके क्या मुंह दिखाएंगे। एक व्यक्ति था, उसके भाई साहब शहर में शिफ्ट हो गए, तो इस व्यक्ति ने अपने भाई की अपने बड़े भाई साहब की सारी जो जमीन जायदाद थी उसने अपने नाम करा ली। अच्छा वो तो चल वसे, उनके जो बड़े भाई साहब के जो पुत्र थे वो एक दिन वो मिठाई का डब्बा लेके आए, ये रजिस्ट्री वजिस्ट्री जब सब करा ली तो अपने चाचा जी के यहाँ पहुंचे मिठाई लेकर। अब चाचा जी को थोड़ा सा झेप भी लगे, जब आप किसी का हक मार के बैठते हो ना तो निगाहों में शर्मिंदगी रहती रहती है। अब सर झुका के थोड़ा सा, और बेटा कैसे आना हुआ? तो बोला चाचा जी मिठाई लीजिए। बोला किस बात की? बोला ये जो दादाजी की जमीन थी ना, ना दादाजी ले जा पाए, ना उनके पिताजी ले जा पाए, ना हमारे पिताजी ले जा पाए, अरे कम से कम आप तो लाद के ले जा सकेंगे ना, इसीलिए तो रजिस्ट्री कराई, उसी की मिठाई खिलाने आया हूं। वो एक ही शब्द है, अगर समझदार व्यक्ति हो तो समझ जाए कि ये हम भी यहां से लाद के ले जाने वाले नहीं है। व्यक्ति थोड़ा थोड़ा धन जमा करता है ना, कभी कभी व्यक्ति गुल्लक बनाता है, अगर उससे पैसे नहीं बचते तो सोचता है गुल्लक आ जाएगा तो एक मजबूरी रहेगी कि मुझे इतना तो जमा करना ही है, गुल्लक है घर पे, वो एक तरह की बंदिश हो जाती है, याद दिलाती है कि तुम्हें भजन करना है। ये जो ऐसी माला झोली देखते हैं ना, किसके किसके पास है, हाथ ऊपर करियो, धन्यवाद, नीचे कर लीजिए, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये भी एक तरह का गुल्लक है, ये याद दिलाता है कि इसमें कुछ भरना है, समझ रहे हैं आप, ये स्मृति दिलाती है कि भैया इसको कब भरोगे, कम से कम नहीं भी भर रहे हैं तो गुल्लक लेके रख तो लीजिए ही, रखे रहेंगे तो कभी तो ख्याल आएगा कि इस गुल्लक के भीतर कुछ डालना है, और जब गुल्लक रहेगा ही नहीं तो होश कहां से आएगा। हमारे पिताजी के गुरुदेव भगवान कहते थे कि भैया तुम माला एक भी मत जपो पर माला झोली लेके रख जरूर लो, भले खूंटी पे टांग दो पर वहां टांगो जहां पर तुम्हारी निगाह दिन भर में 2-4 बार चली जाती है, केवल तुम खरीदो और खूंटी पे का करो टांग दो। गुरुदेव से पूछा उससे क्या होगा, गुरुदेव ने कहा अरे भैया देखोगे तो कम से कम कभी तो भूल चूक याद आ जाएगी कि ले तो लिया पर आज तक एक माला जपी नहीं, और अगर एक निमिष के लिए भी सच्ची ग्लानि हो गई हृदय में क्या पता वो सच्चा स्मरण भगवान से मिला दे। संत जन ऐसे ऐसे हुए हैं ना भैया, एक संत थे वो ऐसे जब अपना पटका लेते थे ना ऐसे भिक्षा मांगते थे, कहते थे भीख मांग रहा हूं भैया, भिक्षा मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हैं महाराज? भैया जीवन बर्बाद मत करो, एक बार तुम्हें मनुष्यों ने मिली है भैया, मुझे भिक्षा दे दो, भजन कर लो, भगवान को पालो। आप सोचो संत को हम क्या दे रहे हैं, वो अपने लिए क्या कर रहे हैं। आज जब संत हमसे कहते हैं, हमारे गुरुदेव हमसे कहते हैं बेटा तुम भजन करना, इसमें उनका क्या निजी स्वार्थ है आप बताइए। जैसे बच्चे को जब शुरू में स्कूल भेजा जाता है तो बच्चा कितना आनाकानी करता है, करता है ना, लटक जाएगा, आज हम बीमार हैं, आज खोपड़ी दर्द है, आज मम्मी पेट दर्द है, आज नहीं जाना, पर माताएं क्या करती हैं, टांग के बस में बिठा देती हैं। अच्छा उस समय भले बुरा लगता है पर बाद में जब वो बेटा डॉक्टर इंजीनियर वकील जज बनता है तब उसे क्या लगता है, माँ ने जो मुझे डांट के भेजा ये काम का है कि नहीं है, सोचिए। तो जब संत जन कभी डांट के कहते हैं, कभी गुस्सा करके गुरुदेव पूछते हैं माला करते हो कि नहीं करते हो, क्या करते हो दिन भर,
तो समझिए ये वही माँ है जो डांट के स्कूल भेज रही है। और जिस दिन हम कभी ध्रुव कबीर मीरा नरसी बन गए, उस दिन हमें समझ में आएगा कि मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए क्या किया।